सरकार जो इस समय जिस दिशा में काम कर रही है, जो एक विकसित भारत का एक संकल्प लिया है, जो एक सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि एक अंत्योदय योजना के तहत एक आम भारतीय तक हम सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, उस दिशा में आज ये रेवाड़ी शहर में इस धर्मशाला के अंदर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बहुत अच्छी सोच के साथ कि अंत्योदय के तहत अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति का मतलब कोई भी व्यक्ति छूटे नहीं, इस कड़ी के अंदर सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम चला रही है और इस कड़ी के अंदर ही आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। बहुत से लाभान्वित आज यहाँ पर उपस्थित रहे, आज ही बहुत लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है और एक नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार जिस तरीके से मेहनत कर रही है, मैं उसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। कि यात्राएं आज हमारी अंतिम कड़ी के अंदर, आज का जो दिन है रेवाड़ी शहर में आज अंतिम है, गाँव में हमारी सब यात्राएँ सभी गाँवों के अंदर हो चुकी हैं और इसका जो प्रचार प्रसार का जितना भी हमको लगता है कि आज जिस तरीके से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, ये एक से बढ़ के एक और एक मिल के 11 होंगे, एक से बढ़ के ज़्यादा लोगों को इसका संपर्क मिले, जो यहाँ पर लाभान्वित हैं उन्होंने अपने अनुभव सुनाए, उन प्रेरणा लेकर बहुत से लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचेंगी और निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति सरकार की योजनाओं का लाभ लेगा। किसी भी दिशा के अंदर अगर कहीं उनको दिक्कत आती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं 24 घंटे आम जन के लिए उपस्थित रहते हैं। हमारी यहाँ पर जो नगर परिषद है, हमारी चेयरपर्सन बहन पूनम जी हमारे साथ हैं। किसी भी तरह की कोई योजनाओं को आपको दिक्कत आती है, मेरी आम जन से अपील है कि वो जाएं सीधे कार्यालय में और कार्यालय से संबंधित किसी भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट हमारी चेयरपर्सन बहन पूनम जी से मिल सकते हैं। अभी इसी मौके पर आज इसी ग्राउंड में हम लोगों ने एक उज्ज्वला कनेक्शन दिया है और 4 पेंशन बनी है, 3 आयुष्मान कार्ड लाभान्वित हुआ। इसी बात संकल्प यात्रा एक मोदी जी की जो गारंटी है वो एक धरातल पर दिखने लगी है लोगों को, क्योंकि मैं अभी 20-25 गांव में मैं बावल में गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ पे जो इस विकसित भारत यात्रा का जो मोदी जी का जो लक्ष्य था कि भाई हर जो आदमी है, अपना कोई भी गरीब आदमी है उसको इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके बारे में सीधा जनसंवाद किया लोगों से और 35 लाख के करीब हरियाणा में लोग सीधे से जुड़े और उनको चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे गरीब कल्याण अन्न योजना, चाहे अपना आयुष्मान योजना, चाहे अपना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और बहुत सारी योजनाएं मैं आपको जिक्र करूं कि इसमें जो डायरेक्ट उनको फ़ायदा हुआ है। और मैं देखता हूं कि इसमें जब लोग अपने मेरी कहानी मेरी जुबानी में मैंने लोगों को सुना, औरतों को सुना और बहनों को सुना, वहाँ पे उनकी जो आयुष्मान जो मोदी जी की जो गारंटी थी हेल्थ, क्योंकि आप अपने आप में एक इम्पोर्टेंट इश्यू है और उसमें किसी का मतलब हार्ट का ऑपरेशन तक भी इस आयुष्मान कार्ड में आया कंसिडर हुआ है। तो मेरा मानना है कि इससे जो भारतीय जनता पार्टी और जो मोदी जी का जो लक्ष्य और माननीय मुख्यमंत्री जी का मनोहर लाल जी का जो ये एम है और टारगेट है कि हमारा अंतिम व्यक्ति जो है जिस लाइन में खड़ा है उसको सारे इसमें स्कीम के बेनिफिट होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल सीधे सीधा मैं मिला हूँ उनसे लोगों से और वो उनके दिमाग में ये है कि बीजेपी सरकार हमारे लिए ही बनी और हमारे लिए डबल इंजन की सरकार काम करती है। वो एक अपने आप एक पूरे हिंदुस्तान की अपने जो लोगों की आस्था है उससे पर्टिकुलरली कोई पार्टी का मैंडेट नहीं है, ये सिर्फ ये था कि पहली पार्टी ने जो एक बार डिसाइड किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे और डेट भी बताएंगे तो उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जून जनवरी जो है उसको है और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं, चाहे कोई भी पार्टी वाला हो जिसमें जो हमारे, क्योंकि रामलला एक तरह से ये वहाँ पे जो विराजमान होंगे तो उसमें जो हमारा हिंदुस्तान है सभी को आस्था जिसमें जो राम ने आस्था रखा है वो सभी उसमें जो बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप में एक तरह से पूरा जो दिवाली की तरह इसको मनाएंगे, तो ये एक इसमें कोई पार्टी का और उसका विषय नहीं है, ये हमारे आस्था का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये जो आज यात्रा चल रही है, आज इस धर्मशाला में जिसका नाम मक्खनलाल धर्मशाला, शहर के बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति रहे और आंगन में बैठे हैं। भगवान विश्वकर्मा मंदिर हमारे पीछे है बिल्कुल, और इसमें तीन मूर्तियां, चार मूर्तियां, ऊपर राम दरबार भी नजर आ रहा है और राममय माहौल जो आज हो रहा है, इसी कड़ी के अंदर हम आज यहां पर आप लोगों के बीच में मोदी सरकार की गारंटी की वैन लेकर पहुंचे हैं। आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित नगर परिषद रेवाड़ी की चेयरपर्सन बहन पूनम यादव जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई दीपक मंगला जी, दोनों महामंत्री संजय जी, नितिन जी भी मंच संचालन व्यक्ति ने बताया, हमारे इस पूरे कार्यक्रम को पिछले दो महीने से लगातार देख रहे, पर्दे के पीछे काम कर रहे। हम तो आते हैं सीधा, आया यहाँ पर अपने भाषण दिए और यहाँ से निकल गए, लेकिन सुबह से लेके और शाम तक की जो व्यवस्था करते हैं, पर्दे के पीछे काम करते हैं, आदर्श जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, भाई सुनील ग्रोवर जी, और एक मंच को किस तरीके से आम जन के साथ बांधा जाता है, एक कुशल वक्ता और एक गुरु की भूमिका में, जैसा भी इन्होंने भी एक बताया कि एक फलदार वृक्ष होता है, वो कम से कम अगर फल नहीं दे रहा है तो छाया भी दे रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे उस फूल के, फल के। ऐसे हमारे गुरुजन यहाँ पर उपस्थित, मातृशक्ति, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, सभी विभागों के कर्मचारी, छायाकार, पत्र बंधुओं, सारी योजनाओं के बारे में आप सुबह से बैठे हैं और बहुत सी हद तक आप लोगों को जानकारी भी मिल गई, और नहीं मिली है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप पकड़िए और उनसे कहिए कि हमारा ये काम करवाना है, वो अपने आप आपका काम करवा के लाएगा, आपको रास्ता बताएगा, सही व्यक्ति तक आपको पहुंचाएगा और उस बात को चरितार्थ करेगा कि जो मोदी जी कहते हैं कि अगर मैं एक रुपया भेजूंगा तो एक रुपया डायरेक्ट आपके पास आएगा। ये वो सरकार नहीं है जो एक रुपया भेजती थी और 15 पैसे हम लोगों तक पहुंचते थे, बीच में कितने 85 पैसे बिचौलिए खा जाते थे हमें पता भी नहीं चलता था, और हमें जानकारी भी नहीं मिलती थी कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। योजनाएं पहले भी आती थी, भारत में जितनी भी सरकार पहले रही है सभी में योजनाएं आती थी, जानकारी लोगों तक पहुंचती नहीं थी। उसके अभाव में हम लोग क्या करते थे, हम सिर्फ सरकार को कोसते थे और ये एक परिकल्पना या एक सपना देखा करते, कभी एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो भारत को अपने कर्म से, अपनी एक नई सोच से इस भारत को विकसित भारत बनाएगा, और वो एक सितारा जिसकी पहचान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने की, और ऐसे अनेकों जो संघ के कार्यकर्ता हैं उन्होंने पहचान की, वो सितारे का नाम नरेंद्र मोदी के रूप में उभर कर आया। जिस व्यक्ति के पास सत्ता को संभालते ही और ये गोधरा कांड हो गया और पूरे देश में एक ऐसा मैसेज गया कि इस व्यक्ति की वजह से ये कांड हुआ, लेकिन किस बखूबी से उन्होंने उस काम को निपटाया और एक संदेश दिया कि गुजरात अगर राज्य के अंदर मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये अब बदलने वाला गुजरात है, और वहां पर लगातार 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2014 से पहले आम जन तक भारतीय जनता पार्टी के लिए टिकट मांगने, ये वोट मांगने के लिए मतदाता के रूप में उनके पास हम जब पहुंचते थे, निवेदन करते थे कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिएगा, तो हमने लोगों से ये कहते सुना कि आप लोग बेकार में घूम रहे हो, सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम डिक्लेयर करा दो, भारत की जनता नरेंद्र मोदी को उस सितारे के रूप में देखना चाहती है जो भारत को बदलने की हिम्मत रखता है, और इस जन जन की आवाज को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को समझा, और हमारे यहाँ आप लोगों को याद होगा
15 सितंबर 2014 को 2013 को 15 सितंबर 2013 को यही रेवाड़ी में जो रैली हुई थी वो एक सितारे को उभारने की रैली थी। वो पहली ऐसी रैली थी जिसके अंदर नरेंद्र मोदी का नाम पूरे भारत के अंदर गुंजायमान हुआ। और इत्तेफाक की बात भी देखिए, मात्र दो दिन पहले 13 सितंबर 2013 को इस बात की घोषणा हुई कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक जो विकसित भारत की एक परिकल्पना थी जिसका सपना मोदी जी ने देखा था और उन्हें ये पता था कि हमारे देश के अंदर क्या क्या कमियां हैं, हम लोग किस दिशा और दशा से चल रहे हैं, क्योंकि वो एक सामान्य परिवार के जन्मे हुए एक बालक थे। सभी का आज यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है आज मोदी जी की गारंटी की गाड़ी आपके सामने आई है, आपके घर चल करके आई है, ताकि आम जन को हमारी सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। हमारी सरकार में जो जो योजनाएं बनी हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, आपकी बेटी हमारी बेटी, हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत, ऐसी हमारी सरकार ने 136 योजनाएं बनाई हैं, जिसका हमारी सरकार बीजेपी सरकार चाहती है कि आम जनता उसका लाभ पहुंच सके। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। लीवर कैंसर के कारण हो गई थी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई। मेरी तीन बहनें भी हैं, इनकी शादी में भी बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन सरकार का बहुत मतलब मिसाल बस बहुत ही जो उन्होंने मेरे को एक राशि दी, अनुदान राशि, जो जिससे कि मैं अपना मकान बना सका, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस सरकार का। नहीं तो मेरे ख्याल से हमारी तो इतनी मतलब स्थिति ना तो आर्थिक वो थी कि मैं ये मकान छेड़ भी पाता, बनाने की तो बात बहुत दूर, मैं तुझे तोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन जो है अनुदान राशि मिली इससे मैं मकान भी बना पाया और अब मेरी बहनों की भी शादी होनी है। और कर्मचारी और मेरे जो सब है उनको नमस्कार। मेरी माता मेरे वार्ड नंबर 5 से हूँ, मेरा नाम महेश कुमार है, पिताजी का नाम रोजियाल है, खटेरा जाति से हूँ। और जो मेरा मकान था वो 5 फुट नीचे दबा हुआ था सड़क, तो मैं नगर पालिका में गया कमेटी के अंदर, और जो है मेरे को जो मकान दबा हुआ था वहाँ से मैंने फार्म भरा, और वहाँ से जो मेरे को मौके पर मकान देखा तो काफ़ी परेशानी होती थी, मकान दब जाता, बारिश का पानी आ जाता था, तो उन्होंने जो है मेरी हेल्प की और मुझे 1.5 लाख रुपए जो मेरे बनते थे अनुदान राशि वो मुड़कर मेरे को मिली। और मेरी पत्नी को जो वो सिलेंडर है पत्नी के नाम से जो माफ होता था बिना सब्सिडी के, वो ही मेरी पत्नी के नाम से मिला हुआ। और मैं सरकार का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मुझे मिले थे 1.5 लाख रुपए और कुछ पैसे मैंने मिला के अपना मकान बनवा लिया, और बारिश वारिश से हम जो अब सही रह रहे, कोई पानी नहीं आता। मैं सरकार का हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार जी सभी को, मेरा नाम सुनील है, मैं अर्जुन नगर से हूँ, मेरे पिताजी का नाम पहलाज सिंह है, मैं रेहड़ी लगाता हूँ फास्ट फ्रूट की। तो मेरे को लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पैसों की, मेरे को इतनी दिक्कत हुई, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी लॉकडाउन के अंदर, तो मेरे को सरकार की तरफ से पैसे मिले और मेरा अच्छा काम चल रहा है अब, और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी वो सब दूर हो गई है, और मैं बहुत ज़्यादा सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बुरे समय में बहुत ज़्यादा साथ दिया है सरकार ने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, सारा काम बढ़िया चल रहा है मेरा, सरकार का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ।
हैं, मैं काष्टवाड़ा से हूँ। मेरी जो पहली प्रेगनेंसी थी तो अभी सर ने बताया कि सरकार के द्वारा 5,000 भी दिए जा रहे हैं मोदी सरकार के द्वारा, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मुझे भी 5,000 का लाभ मिला है, मैं उसमें भी लाभार्थी रही हूँ। और साथ ही आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में मैंने भी फॉर्म भरा था, जिनके बारे में मुझे बताया हमारी जो आंगनवाड़ी मैडम है मिसेज मेनका, तो उन्होंने मुझे बताया, तो इसके दौरान मैंने फॉर्म भरा। और मेरी देवप्रिया नाम से बेटी है, उसका मुझे बॉन्ड मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ। जिसके द्वारा मुझे बताया गया था कि 21,000 रुपये दिए जाएंगे और एक जब मेरी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। बेटी की पढ़ाई पर यानी उच्च शिक्षा पर ज़रूर लगाऊंगा। धन्यवाद। और आप सभी को, मेरा नाम विन्नी है, वाइफ ऑफ महेश कुमार, मैं मोहल्ला काइस्तवाड़ा से हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, पहले बेटा, पहली दूसरी बेटी। मुझे पहले बेटे के PMY योजना का भी लाभ हुआ और अब मेरा बेटी के लिए जो आपकी बेटी हमारी बेटी का फार्म भरा उसका मुझे बॉन्ड प्राप्त हो चुका है। और जब मेरी बेटी 21,000 वाला, जब मेरी बेटी 18 साल की होगी तब मुझे योजनाओं के तहत 1,00,000 की राशि प्राप्त होगी। मैं उसको अपनी बेटी की शिक्षा में ही यूज करूंगी, मतलब उसको अच्छी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। उनका हृदय अर्ष होगा कि मैं भी रामपुरा में एक रेडी लगाने वाला एक मामूली सा मजदूर हूँ। भारतीय राजनीति के अंदर जो राजनीति के महान गुरु है, जिनको हम सिर्फ एक प्रधानमंत्री समझते हैं, पर मेरी नज़र में वो राजनीति के गुरु है। उन्होंने भारतीय राजनीति में और नारियों को इतना सशक्त करने के साथ साथ रेहड़ी विक्रेताओं के लिए इतनी अच्छी सुविधा हमें प्रदान की है, जिसे आप आसानी से अपने जीवन में उतार कर इसके योजना के साथ साथ और इसमें आप काफ़ी छूट लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं भारतीय विकास को लेकर। और हम आपको ये चीज़ें बताना चाहेंगे, इस राजनीति के अंदर हमें किसी भी तरीके का, कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी उठाने का कोई सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल आसानी से हमें ये लोन प्रदान किया गया, जिससे कि हमें बहुत ही मामूली सा ब्याज देख करके इतनी बड़ी धनराशि, यानी कि अब 50,000 रुपये तक का जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और देवी देवताओं को ना पूछते हुए, सिर्फ माता पिता के चरणों को ध्यान में रखते हुए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरा नमस्कार, मेरा नाम सरिता है और मैं नई आबादी फर्स्ट से मैं आशा वर्कर का काम भी करती हूँ। और मेरा आयुष्मान का कार्ड बना हुआ है, जिसे हमने अपने ससुर के पैर का ऑपरेशन भी कराया था और उनको पथरी का दर्द उठा तो हमने उनको अभी ऑपरेशन कराया था उसी कार्ड से ही। फिर उनको हर्निया की दिक्कत हुई थी, हमने उनका भी उसी कार्ड से ही उनका ऑपरेशन कराया था। और इसके लिए मैं आप इसे आयुष्मान कार्ड से जो प्रोग्राम चलाया है मोदी जी ने, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। हमें बहुत बहुत लाभ मिला है। मेरी बेटी का नाम हिमांशु है, तो बाहर गई हुई है और है ना, उसकी टीवी की दवाई चल रही थी, तो आशा वर्कर है ना, वो हमें टाइम पे दवाई दे रही थी और टाइम पे ही चेकअप वगैरह करवाया था। और कविता मैडम, परवीन मैडम है, इनने हमारा बहुत साथ दिया, हमारी टाइम पे ही आ गई। स्पेशल स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें इलाज तो मुफ्त होता ही है, उसके अलावा 500 रुपये प्रति माह उनके अकाउंट में भेजा जाता है अच्छी खुराक के लिए।